अमेठी से पिछली बार चुनाव हारने के बाद क्या राहुल गांधी इस बार केवल वायनाड से ही चुनाव लड़ेंगे? तो राहुल के बदले कौन देगा इस बार अमेठी में स्मृति ईरानी को सीधी टक्कर? क्या इसके लिए कांग्रेस ने किसी महिला नेत्री पर दाव खेल लिया है? आइए सभी सवालों के जवाब आपको देते हैं। आज राहुल गांधी ने केरल की वायनाड सीट से नामांकन दाखिल किया है। राहुल गांधी पिछला चुनाव यहीं से जीते थे और अमेठी से चुनाव हार गए थे, जिसके बाद कांग्रेस इस बार अमेठी में एक महिला के मुकाबले दूसरी महिला को मैदान में उतारने की तैयारी कर चुकी है। लेकिन गांधी परिवार ने अपनी परंपरागत इस सीट से किसे उतारने का फैसला लिया है, आइए आपको बताते हैं। तो खबर है कि राहुल गांधी, प्रियंका गांधी और सोनिया गांधी ने गांधी परिवार के भरोसेमंद नेता प्रमोद तिवारी की बेटी तेजतर्रार महिला नेत्री आराधना मिश्र मोना को इस सीट के लिए चुना है। आराधना मिश्र ब्राह्मण परिवार से आती हैं और रामपुर सीट से लगातार 3 बार की विधायक भी हैं। ऐसे में बीजेपी एक महिला के सामने दूसरी महिला को खड़ा कर इस सीट को वापस जीतने की कोशिश कर रही है। इसके अलावा आराधना मिश्र अमेठी और रायबरेली के पास की ही रहने वाली है और उनके पिता प्रमोद तिवारी भी कांग्रेस पार्टी से राज्यसभा के सांसद हैं। सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस हाईकमान ने आराधना मिश्र मोना से अमेठी सीट से चुनावी तैयारियों में जुट जाने के लिए कहा है। अब आप अमेठी सीट का मौजूदा समीकरण समझ लीजिए। यूपी में घटता कांग्रेस का वर्चस्व और राहुल के चुनाव हारने के बाद अमेठी लोकसभा के अंदर आने वाली विधानसभाओं में भी कांग्रेस बुरी तरह कमजोर हो गई है। अमेठी की 5 में से 3 सीटों पर इस वक्त भाजपा का कब्जा है, 2 सीट पर सपा का कब्जा है। सपा की 2 सीट में से भी 1 सीट राज्यसभा चुनाव के दौरान बीजेपी की ओर चली गई है, यानी जो नेता थे वो बीजेपी में चले गए हैं। ऐसे में यहाँ कांग्रेस के लिए बड़ी मुश्किल दिखाई दे रही है। वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी अब वायनाड पर ही फोकस करते हुए नजर आते हैं। बीजेपी की जो सांसद हैं स्मृति ईरानी, और इस वक्त वो प्रत्याशी भी हैं, वो लगातार एक्टिव दिखाई देती हैं। ऐसे में कांग्रेस के लिए सीट जीतना बेहद मुश्किल नजर आ रहा है। हालांकि राहुल गांधी अपने भाषणों में सीधे मोदी साह और RSS पर खूब निशाना साधते हुए नजर आते हैं। वायनाड में भी आज राहुल गांधी ने नामांकन करने के बाद बीजेपी को घेरा है, लेकिन इसका असर यूपी में कुछ खास दिखाई नहीं दे रहा है। चलिए आपको सबसे पहले राहुल का बयान सुनाते हैं। ये जो लड़ाई है ये लोकतंत्र और कॉन्स्टिट्यूशन संविधान को बचाने की लड़ाई है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी और इंडिया अलायंस लोकतंत्र के लिए लड़ रहे हैं, संविधान के लिए लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी जी, अमित शाह जी और बीजेपी के लोग, RSS के लोग संविधान को और लोकतंत्र को खत्म करने में लगे हुए हैं। तो अब राहुल का फोकस अमेठी से ज्यादा वायनाड पर ज्यादा दिखाई दे रहा है। प्रचंड मोदी लहर के बीच एक महिला नेता को स्मृति ईरानी के सामने खड़ा करना क्या कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा, यह देखना बेहद दिलचस्प रहेगा। इस सीट पर आपकी क्या राय है हमें कमेंट कर जरूर बताएं। साथ ही तमाम पॉलिटिकल खबरों के लिए देखते रहिए इंडिया.com।